सो यस, लेट मी टॉक अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया, कोई नंबर दे दे मुझे। 1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले। 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर, एक एवरेज हिट सॉन्ग, एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है। दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा। एंटरटेनमेंट इज नॉट मैरिली एंटरटेनमेंट, इट हैज़ एन आइडियोलॉजी, इट हैज़ अ बैकग्राउंड, इट हैज़ एन एजेंडा। द सॉन्ग स्क्रीम बाय माइकल जैक्सन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग इन द हिस्ट्री, $7 मिलियन, $7 मिलियन। आई थिंक पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है। 2013 दिस वुमन के मेल ला गिवर हिदाया, दिस वुमन ब्रिटनी स्पीयर, मेरे दौर की जो टॉप की सिंगर थी, ओके, हमने इकट्ठे ए लेवल्स किया क्योंकि मेरा ए लेवल इन्हें सुनते हुए गुजरा। तो दिस वुमन, ओके, शी इज द सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, एंड शी इज द सिंबल ऑफ, लेट मी टेल यू, जो कपड़े उतरवाए हैं वेस्ट में बच्चियों के, शी इज दैट सिंबल। इनके गाने, जो गाना आपको नजर आ रहा है वर्क BITCH, इसके लिरिक्स आप चेक करिएगा। $0.85 मिलियन इसकी लागत है इस गाने की, और इसके लिरिक्स वर्किंग वुमेन पे हैं। ओके, शी इज एनकरेजिंग वुमेन टू कम आउट एंड वर्क, बट शी इज एनकरेजिंग देम इन सच अ वे कि यू वॉन्ट अ लेम्बोर्गिनी, यू वॉन्ट अ फरारी, यू वॉन्ट अ बिकिनी, सो यू बेटर वर्क BITCH, एंड शी कीप्स ऑन रिपीटिंग यू बेटर वर्क, यू बेटर वर्क, यू बेटर वर्क, एंड नेक्स्ट वर्ड आई डोंट वॉन्ट टू अटर। मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग, मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगर सॉन्ग्स आर ब्रिटनी स्पीयर्स, जिसकी वीडियोज, और अब मैडोना के। सो देयर इज क्लियरली एन एजेंडा बिहाइंड इट, वेरी डार्क सॉन्ग्स, मैडोना, ओके, एंड बियॉन्सी, ऑल दीज इवल सिंगर्स। द म्यूजिक इंडस्ट्री जनरेटेड अबाउट $51.5 बिलियन इन 2018, के इतना बड़ा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, $51.5 बिलियन इन 2018, तो पैसा कमा रहे हैं। के दे वॉन्ट कस्टमर्स, दे आर नॉट सिंसेयर, दे डोंट केयर सोशल इफेक्ट्स क्या है, सोसाइटी में इफेक्ट्स क्या है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे गंद सुन रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, रॉक एंड रोल, सेक्स एंड पार्टी, दे डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम, एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग देम, बिग इंडस्ट्री। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग थ्रिलर, ओके, बाय माइकल जैक्सन, यू शुड चेक आउट इट्स लिरिक्स, वेरी डार्क लिरिक्स अबाउट अ डीमन हू इज कमिंग एट नाइट अबाउट टू ओवर पावर यू, दिस डीमन, ओके, इन द सॉन्ग थ्रिलर। गंगनम स्टाइल, द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू हिट 1 बिलियन व्यूज। गंगनम स्टाइल का जो डांस है, जो बच्चा बच्चा करता है, वो पेगन्स का एक स्पेशल डांस है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा, जो फायर के इर्द गिर्द घूमते थे और इस तरह से सेटन को होमेज पे करने के लिए नाचते थे। रैप सॉन्ग्स, रैप म्यूजिक स्ट्रीमिंग इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर देन एवर, विद एन ऑन डिमांड एंड वीडियो स्ट्रीम्स टोटलिंग अ रिकॉर्ड 403.4 बिलियन इन जस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ 2018। मोस्ट हिप हॉप सॉन्ग्स, वट इज देयर थीम? दे कॉन्टेन रेफरेंसेज टू ड्रग्स, सेक्स, वायलेंस एम्ड एट वुमेन। एवरेज यूथ कितने गाने सुनता है, कितने घंटे गाने सुनता है? 2.5 आवर्स पर डे एन एवरेज यूथ लिसन्स टू सॉन्ग्स। कुछ लोग 20-20 घंटे भी शायद सुनते हो, रात को सोते हुए भी उनके कानों में टूटियां होती हैं। अबाउट 1/3 ऑफ हिट सॉन्ग्स, दीज कैरेक्टर्स आई एम शोइंग यू, अबाउट 1/3 ऑफ हिट सॉन्ग्स इंक्लूडिंग 3/4 ऑफ रैप सॉन्ग्स हैव सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू ड्रग, अल्कोहल और टोबैको यूज, अ न्यू स्टडी फाउंड इन 2008। 92% ऑफ 174 सॉन्ग्स दैट केम इनटू द बिलबोर्ड टॉप 10 चार्ट्स, दे कंटेन रिप्रोडक्टिव मैसेजेस। व्हाट आर रिप्रोडक्टिव मैसेजेस? ये एक रिसर्च है। रिप्रोडक्टिव मैसेजेस आर सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग बॉडी पार्ट, फिगर, सेक्स एक्ट, सेक्स अपील, अराउजल। ओके, दिस इज द मेन थीम ऑफ हिप हॉप सॉन्ग्स। How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay,
वो लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं कॉन्सर्ट्स पे, बिला वजह लगा रहे हैं, कोई एजेंडा है ना? एक आम सा कॉन्सर्ट कराने के लिए यू नीड एन एरेना विच कॉस्ट $20,000 पर नाइट, यू नीड एन एम्फीथिएटर $10,000 पर नाइट, साउंड सिस्टम $1,000, एडवर्टाइजिंग नीड्स $5,000, कॉन्सर्ट टिकट रेंज अप टू $624 to $1,282. $624 कितने होते हैं? 70,000 से ज़्यादा है, 70,000 में उमरा हो जाता है। तो ये अमेरिका में $624, $700 तक टिकट्स पहुंची हुई हैं। दिस इज दी यू नो डिलेमा के लोग को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं और वो थाउजेंड्स में हैं, हु विल स्पेंड 80,000 जस्ट टू गो एंड लिसन टू दीज थिंग्स। ये जो मैंने आपको बताया सेक्स रिलेटेड फ्रेजेज एंड यू नो वहाँ पर फिर क्या क्या होता है, इसमें मुझे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द म्यूजिक इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट्स द इफेक्ट, ड्रग्स। पाकिस्तान में कितने जो हैं वो चर्सी हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट यस जी, कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं, एनी आइडिया जी? 89 लाख, देर आर 89 लाख ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान। And how many people die every day because of drugs? The news.com.pk ka statistic hai. Any idea how many people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently, my class fellow from GIKI, he died and hum usse bahut samjhate the. He was married, one daughter. And he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. Lumps mein ek ladke ne overdose hoke khudkushi kar li. So this is real people. Okay, this is not fake. Yahan pe koi hum entertainment nahi kar rahe. This is the effect after effect of these things. Ye jo rap songs, ye hip hop, aur thug life, all these things.